सामने से डला है 40 लीटर फ्यूल। अभी क्या पंप वहाँ यहाँ से बहुत दूर है तो यहीं से लोकल डीजल डलवा रहे हैं। तो 40 लीटर में समथिंग है, मान के चलो 8 घंटे मशीन चलेगी, 8 घंटे मशीन चल जाएगी। उसके बाद हम सीधे पंप जाएंगे, वहाँ से डीजल लेके आएंगे। फटाफट यहाँ से डीजल हम डलवा के निकलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे ब्लॉग में। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों से हमारी जेसीबी खड़ी थी, काम नहीं मिला था। आज हमारी जेसीबी का काम मिल गया है तो हम चलेंगे काम में और जेसीबी को लेके जाएंगे साथ में, काम में लगाएंगे। वहाँ पे थोड़ा सा काम भी ढूंढना है हमें, तो खेतों का कटाई हो चुकी है फाइनली सब जगह, और चलते हैं। आज से काम शुरू होने वाला है तो हम साथ में जा रहे हैं जेसीबी के काम में। अभी फ़िलहाल हमारी मशीन सामने खड़ी हुई है, डीजल फिलअप करा रही है। तो यहाँ से डीजल डालने के बाद हम मशीन सीधे लेके जाएंगे साइड पर। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों मशीन तो निकल गई साइड पर, हम भी जा रहे हैं उसके पीछे। तो कार पर जाएंगे हम, चलते हैं अपन कार पर। और बहुत ही तेज़ धूप है, बिल्कुल चेहरा देखो आप लाल नज़र आ रहा होगा। पहुँच गए अपनी कार के पास। सबसे पहले इसको स्टार्ट करके एसी ऑन कर लेते हैं, बहुत टेम्परेचर होगा अंदर। चालू कर लेते हैं इसको। आग उगल रही है अंदर, ये बिल्कुल ऑन करके इसकी एसी ऑन कर देता है, और लो में कर देते हैं टेम्परेचर इसका। चलो फटाफट से निकलते हैं फिर। दोस्तों हम निकल गए हैं घर से बाहर और गाड़ी में हैं हम, अभी जा रहे हैं हम अपने, यहाँ मशीन चल रही है वहाँ पे। मशीन हमसे आगे निकल चुकी है, बस रास्ते में हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है फिर चलते हैं। सामने से कोल्ड ड्रिंक लेनी है, कोल्ड ड्रिंक रख लेते हैं। करीम भाई की दुकान से हमारे। स्प्राइट स्प्राइट देना, एक मीडियम टेम्परेचर देखो, बहुत ज़्यादा है बाहर का। हमने कांच खोली, बहुत टेम्परेचर बाहर। अरे मार्केट हमारा गांव का, भाई यहाँ से हमने स्प्राइट ले लिया। ऊपर फटाफट चलते हैं, मशीन को हमने कवर कर लिया, रास्ते में ही मिल गई है, ज़्यादा दूर नहीं जा पाए। फटाफट चल रही है हमारे आगे। मशीन की स्पीड तो ज़्यादा रहती नहीं, अधिकतर 20 से 25 की स्पीड में चलती है। 30 की स्पीड में पटकती बहुत रोड पर, नहीं कार की जैसे स्पीड नहीं चल सकती। सामने में हमारा रेत खनी नाके पे हमारा डंपर खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, बात करते हैं हम अपने चालक से, क्या दिक्कत है, क्यों खड़ा है, समझते हैं उससे। गाड़ियाँ आ रही, थोड़ी साइड में पार्क करते हैं अपनी कार को। ये है अपनी गाड़ी, गाड़ी नंबर है 0612। मिरर में नजर आ रहा होगा ड्राइवर आ रहा है अपना। बहुत गंदा सा मिरर है इसलिए साफ नजर नहीं आ रहा होगा। आ रहा है तो जल्दी फटाफट बात करें, क्या दिक्कत है, इसकी परेशानी निपटाते हैं, फिर चलते हैं आगे। पर हमारे ड्राइवर का रॉयल्टी का इशू था तो वो निपटा दिए, रॉयल्टी कट चुकी है और गाड़ी यहाँ से निकल गई नाके से, और वो अपने साइड में जाएगी जहाँ पर रेत खाली होना है। हमें चलना है अपनी जेसीबी के पीछे जहाँ जेसीबी गई साइड पर। तो ठीक है चल रहे हैं हम। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा बहुत सपोर्ट करें। बने रहें हमारे वीडियो में आखिरी तक। गाड़ी का टेम्परेचर सिग्नल बढ़ गया है और सामने रेड सिग्नल दिखा रहा है, शायद टेम्परेचर इसका बढ़ गया रनिंग की वजह से, टेम्परेचर इसका हाई हो गया है। दोस्तों गाड़ी में एक समस्या आ गई थी,
इसका टेम्परेचर हाई बताने लगा रहा है रनिंग में, तो क्या है ट्रांसमिशन आयल की वजह ट्रांसमिशन से, आयल आयल का की वजह से ये टेम्परेचर हाई होने लग रहा है। तो इसका समस्या का भी समाधान कर लिया हमने। हमको यहाँ अभी एक प्राइवेट काम मिल चुका है, तो सबसे पहले प्राइवेट काम करेंगे, क्योंकि अभी रेट अच्छा चल रहा है, 1200 रुपये घंटे चल रही है, तो मशीन 1200 रुपये घंटे का रेट है अभी, तो हम सबसे पहले प्राइवेट काम करेंगे, क्योंकि सीजन आ चुका है, प्राइवेट काम सबसे ज़्यादा मिलेगा हमें, तो उसके बाद हम अपने साइड पे जाएगी फिर गाड़ी, सबसे पहले प्राइवेट प्राइवेट काम के लिए जा रही है हमारी गाड़ी भी। सबसे पहले यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और आगे से मतलब लेफ्ट लेके यहाँ एक साइड है, घर है, खेत वगैरह वहाँ पे काम होना है जो चल रहा है वहाँ पे, सबसे पहले उसको निपटा देते हैं, उसके बाद जाएगी गाड़ी फिर अपने साइड पर। ऑपरेटर हमारा नया है तो यहाँ के उसको रास्ते पता नहीं है, इसलिए मैं उसके साथ जा रहा हूँ, गाड़ी साइड पे लगवा के काम चालू करवा के लौट के आऊँगा फिर। गांव के बहुत खतरनाक रास्ते हैं, कच्चे रास्ते हैं ये गांव के, और सकरी रोड है यहाँ पे, देखो साइड पे बिल्कुल खाई है यहाँ, ऑफ रोडिंग का असली मजा है इसी रोडों में है। ग्राउंड क्लियरेंस हमारी कार का थोड़ा ऊंचा है, इसलिए दिक्कत नहीं है ऐसे रास्तों में चलाने में, यहाँ बहुत हिसाब से ले जाना पड़ेगा, यहाँ बहुत सारे पत्थर हैं नीचे रोड पे, तो ये बस्ती जो है बहुत नीचे की ओर है, आगे यहाँ पे एक हॉस्टल बना हुआ है, शायद उसी पे काम होना है। जमीनी स्तर में बहुत नीचा एरिया है ये, पीछे से हमारी जेसीबी आ रही है, उसको दिखाते हैं आपको, उधर रही है अभी वो। बहुत हिसाब से धीरे धीरे आ रही है वो भी, ये बहुत पटकती होगी खराब रास्तों में, बहुत ट्रैक्टर है कम से कम, ये ट्रैक्टरी जैसे चलती है, बहुत पटकती है खराब रास्तों में, अंदर बैठोगे तो हालत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं कार में आया हूँ। तो आ चुकी है जेसीबी, अब चलते हैं आगे, इसको लगवा देते हैं काम पे, फिर निकलते हैं यहाँ से। जो आदमी ने हमें काम दिलाया रहा उसको हम भूल गए रहे ऊपरी, तो उसको फिर से वापस हम लेने जा रहे हैं, और फिर से चढ़ना है ये घाट को हमको ऊपर, बहुत ही खतरनाक घाट है, कच्चा रास्ता है, एक नंबर लगा के गाड़ी चढ़ेगी यहाँ पे, कहीं पत्थर है स्लिप मार सकती है, और थोड़ा सा आरपीएम बढ़ा के चढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। फटाफट से उसको लेके आते हैं फिर काम चालू करते हैं अपन। तो हम पहुँच गए हैं साइड पे, गर्ल्स स्कूल है, सॉरी ये गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे वॉलीबॉल का काम होना है, अब मशीन को मैं यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, काम कर लेगी, शाम को आएंगे डीजल देने, और धूप बहुत तेज़ है खतरनाक तरीके की, अभी यहाँ पर छाया में खड़ी कर दे रहा है मशीन को। कि अपने काम में चली गई है और हम इसको यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, अभी शाम को आएंगे डीजल देने।
दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही।